बढ़ते हैं कुछ और खबरों का। भोपाल से खबर, जहां सीएम हाउस में इस वक्त चाय पर चर्चा चल रही है, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। सीएम हाउस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद हैं। सीएम हाउस में सभी नेताओं के बीच इस वक्त चर्चा चल रही है, अलग अलग मसलों को लेकर मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक के बाद पदाधिकारी निकलते जा रहे हैं। बीडी शर्मा की बात करें, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ संगठन मंत्री हितानंद शर्मा हैं। तो कुल मिलाकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और कल दिन भर बीजेपी कार्यालय में मंथन हुआ। देर रात मुख्य जो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं उनके निवास पर बैठक चलती रही और अब सुबह से मुख्यमंत्री निवास पर चाय पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो खाली पद हैं खासतौर से निगम मंडल और सहकारिता में, उन पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाएगी ताकि सभी लोग, अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव का दौर है और कम ही समय बचा है, ऐसे में तमाम जो पदाधिकारी हैं वो संगठन को मजबूत करने के लिए सरकार के कामकाज जब तक जनता तक पहुंचाएं, इसको लेकर तमाम कवायद जारी है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। खबर भोपाल से, जहां बीजेपी जिला अध्यक्षों को टिकट नहीं देने की मांग उठी है। बीजेपी की बैठक में ये बड़ी मांग उठी है। एक वरिष्ठ नेता ने मांग उठाई है, उत्तराखंड की तर्ज पर टिकट नहीं देने पर सैद्धांतिक सहमति बनती भी अब नजर आ रही। शिव प्रकाश ने पद पर रहते हुए टिकट नहीं देने पर सहमति जताई। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, जिन्होंने पद पर रहते हुए टिकट नहीं देने पर सहमति जताई है अपनी। हम रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, ये जो मांग उठी है, ये जाहिर है कि एक व्यक्ति को एक पद मिले, यही बीजेपी का हमने पहले भी देखा, एक शगुफा है कह लें या फिर बीजेपी का कह लें, ये जो मांग उठी है इस पर क्या जानकारी रही? कल भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और बैठक इसीलिए भी होती है और यही भारतीय जनता पार्टी है कि खुले मंच पर जब तमाम नेता बैठते हैं, सामने जिला अध्यक्ष होते हैं, मंडल अध्यक्ष होते हैं, तो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो एक वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा, उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि उत्तराखंड में ये देखने को मिला था कि वहां जब चुनाव हुए तो अध्यक्ष को टिकट दिया, लिहाजा 5 विधानसभा हमारी प्रभावित हुई, तो क्यों ना हम जिलाध्यक्ष रहते हुए जिलाध्यक्ष को टिकट दें, क्योंकि एक जिलाध्यक्ष के पास कम से कम 5 से 6 विधानसभा का क्षेत्र होता है और वो सब प्रभावित होती है, तो इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन शिव प्रकाश जी ने कहा कि बीच का एक रास्ता भी निकालते हुए दिखाई दिए कि यदि कोई अध्यक्ष है लेकिन वो पद छोड़ चुका है या उसको पद से पहले विमुख कर दिया जाए तो इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कहीं ये दिखाई भी देगा आने वाले दिनों में जब चुनाव के टिकट मिल रहे होंगे विधानसभा 2023 के, तो शायद ये नया मापदंड दिखाई देगा, यानी जो जिला अध्यक्ष विधानसभा के सपने देख रहे हैं उन पर जरूर पानी फिर सकता है और वो सपने बनकर रह सकते हैं। अब उसके पहले जो शिव प्रकाश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उस लाइन पर बढ़ेगी, लेकिन ये चर्चा हुई है और चर्चा के बाद कई जिलाध्यक्ष के चेहरे होते हुए दिखाई भी दिए। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए मनोज जी, इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।